सुप्रभात। कल तक हमने पहेलियों की मात्रा के शब्द और उससे बने वाक्य भी देखे हैं और पढ़े हैं, लिखे हैं। आज हम दूसरी ओ की मात्रा और उससे बने वाक्य और कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। देखिए, कुछ वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसे पढ़ना है हमें। जूली, सूरज निकल आया। देखिए, जूली ज पे, ज के ऊपर दूसरी उ की मात्रा, स के ऊपर दूसरी उ की मात्रा, जहाँ पे मैंने हरे रंग की पेन से अंडरलाइन किया है वह है दूसरी उ की मात्रा। बाहर जा, झूला झूल, पाठशाला जाना मत भूल। ऐसे कई वाक्य रहेंगे, आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए अब तक कि ये कौन सी मात्रा देने से उसका उच्चारण ओ हो जाता है, है ना। जूली सूरज निकल आया, जूली किसी का नाम है, लड़की का नाम है। सूरज सन निकल आया, बाहर जा, झूला झूल, पाठशाला जाना मत भूल। अभी कुछ एक्सरसाइज मैंने दिए हैं यहाँ पर, देखिए अभ्यास, एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, अ और आ दो दिए हैं, यानी कि कल अगर हमें परीक्षा लिखना हो तो परीक्षा में कैसे आएगा, प्रश्न पत्रिका में इस तरह से हमें प्रश्न आएंगे, तो इसे पढ़कर हमें लिखना है। चित्रों के सही नाम पर निशाना लगाइए। यह तीन चित्र मैंने दिए हैं और उसके नाम अलग अलग लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। चित्र को पहचानिए, ये कौन सा चित्र है, कछुआ है। तो इस दिए गए विकल्प में से आपको चुनना है कि कौन सा शब्द कछुआ है। यह है बगुला, कछुआ, गुड़िया। तो आप क्या लिखोगे, देखिए कछुआ है ना, कछुआ के सामने निशाना लगाइए। उसके बाद में चूहा, ये कौन सा चित्र है, चूहे का चित्र है। तो यहाँ इन विकल्पों में से आपको चुनना है कि सही शब्द कौन सा है। चूहा, चूजा, चूना, ये तीन है, तीनों में से पहला जो शब्द है चूहा सही है, इसलिए हमने इसके ऊपर निशाना लगा दिया। अब इस चित्र को देखिए कौन सा है, इसे पहचानिए। काजू, गुलाब, पुड़िया, कौन सा है ये, गुलाब का चित्र है, इसलिए हमने गुलाब के सामने, शब्द के सामने निशाना लगा दिया है। यह है सही चित्र, चित्रों के सही नाम पर निशाना लगाइए, ऐसे रहेगा। कई विकल्प भी दिए जाएंगे, उसमें से हमें चुनना है। और आप चित्रों को पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए, यानी कि चित्र उतारे जाएंगे, कोई एक अक्षर खाली जगह छोड़ दी जाएगी किसी एक अक्षर का, तो आपको उसे लिखकर पूरा कर देना है। जैसे कि मैंने इन चित्रों को उतारा है, कुर्सी है, सूरज है, कुर्ता है, झूला है, मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए। क, क में उ की मात्रा, कु, कुरसी, देखिए प्रश्न रहेगा ऐसे, ऐसे प्रश्न रहेंगे और हमें इस खाली जगह में
भरना है, लिखना है। स कौन सा चित्र है? सूरज है, तो सूरज यानी कि पहला अक्षर हमें क्या लिखना है यहाँ पर? स लिखना है और स में उ की मात्रा देनी है, तो बनता है सूरज। और यहाँ पे र ता, तो पहला अक्षर तो है ही नहीं इसमें मात्राओं के साथ, तो हम लिखते हैं इस पहले अक्षर को लिखकर उसमें उ की मात्रा देकर इन शब्दों को पूरा कर देते हैं, तो बना कुरता। और ये जो है कौन सा चित्र है? झूला का चित्र है ना, तो इसमें हम पहला अक्षर कौन सा लिखते हैं? झ, और झ में दूसरी उ की मात्रा, तो बना झूला। अब चित्र देखिए और शब्दों को पूरा कीजिए। अगर झूला के अलावा और कुछ शब्द और अक्षर लिखकर उसमें स या तो ट भर देते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी उसमें मतलब अर्थ नहीं रहता। इसलिए हमने चित्रों को देखकर सही अक्षर भरकर मात्रा देकर शब्दों को पूरा किया है। देखिए फिर से पढ़िए इस प्रश्न को। चित्रों को पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए, है ना, तो ये शब्द है कुर्सी, कुर्सी का चित्र है इसलिए हमने कुर्सी लिखा। सूरज, सूरज का चित्र है इसलिए हमने सूरज लिखा। और कुर्ता का चित्र है तो हमने कुरता, कुर्ता लिखकर शब्द पूरा कर दिया। झूला, झूले का चित्र है तो झ में उ की मात्रा, ल में आ की मात्रा लिखकर झूला शब्द पूरा कर दिया। आइए आप इसे देखिए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं इसे आपको नजदीक से भी बताऊंगी, आप देखकर लिखिए। देखिए ओ की मात्रा, ऐसे हेडिंग लिखनी है हमें, उससे बने वाक्य। जूली, सूरज निकल आया, बाहर जा, झूला झूल, पाठशाला, यह पाठशाला जाना मत भूल, और अभ्यास एक, चित्रों के सही नाम पर, चित्रों के सही नाम पर निशाना लगाइए। इसे लिख लिए, लिखिए। यह है कछुआ, तो शब्द कछुआ शब्द के आगे हमने राइट लगा दिया है, निशाना लगा दिया है, तो सही हो गया। अगर आप बगुला के सामने लिखते निशाना लगाते तो गलत हो जाएगा, ये गुड़िया के सामने लगाते तो ये गलत हो जाता है, तो सही है कछुआ। क, छ में दू पहली उ की मात्रा और आ कछुआ। चूहा, चूहे चित्र पहचानिए आप और सही विकल्प चुनकर उस पर निशाना लगा दीजिए। यह है चूहा, चूहे का शब्द। और गुलाब, गुलाब के आगे सही निशाना लगा दीजिए, सही विकल्प का, विकल्प पर निशाना लगा दीजिए। और ये इसे भी लिखिए, चित्रों को पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। कुर्सी, सूरज, कुर्ता, झूला।
इसे बार बार लिखिए, दो बार लिखिए इसे और पढ़ते रहिएगा, पहचानिए इन मात्राओं को और पढ़ते रहिएगा। अब हमारी अगली क्लास में हम कुछ और मात्राओं के साथ कुछ और शब्द पढ़ते हैं। धन्यवाद।